हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को भी दबाना ताकि जब मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहे। सो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये आइसक्रीम स्टिक्स। इस आइसक्रीम स्टिक्स को मैं इसे वी शेप में लगाने वाला हूँ और ये है नाइक्रोम का वायर, ये हीट हो जाता है। सो ये है वोल्ट्स, स्मॉल वोल्ट्स एंड टेप, ये डबल साइडेड फोम टेप है। तो इसको मैं इसके ऊपर लगाऊँ। ये नाइक्रोम वायर मैं इसमें लगाऊंगा। एक और लंबा हैंडल के लिए, तो मैं इसमें होल कर रहा हूँ और इसमें इस बोल्ट को लगा देंगे और इसके ऊपर नाइक्रोम वायर को लगाएंगे। इसको तो टाइट कर देता हूँ। तो गाइस, अब इस पर नाइक्रोम वायर लगा देते हैं। ये रहा नाइक्रोम वायर और मैं इसको लगा रहा हूँ। ये तक आप देख सकते हो, नाइक्रोम वायर लग चुका है और मैंने इसके ऊपर ये वायर्स भी लगा दिए ताकि इसको मैं कनेक्शन दे सकूं। सो अब इसको टेप से पूरी तरह से कवर कर देते हैं अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से हम टेप से कवर करेंगे पूरे हैंडल को ताकि ये सेफ हो जाए। तो अब ये कवर हो चुका है पूरी अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। अब इसमें हम लगाएंगे इसका हैंडल। ये प्लास्टिक का एक हैंडल है, इसके अंदर में तार को वायर को बाहर कर लेता हूँ और इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए गाइस, ये अटैच हो चुका है और अब ये काफ़ी अच्छा फील है हाथ में इसके लगने पर। अब इसको अब अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। चलिए, इसको मैं चार्जर से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो फ़ोन का चार्जर होता है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। अराउंड 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट होता है वो चार्जर। मेरा जो चार्जर है वो 3 वोल्ट का है। ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि पूरी तरह से फिक्स हो जाए। सो फिक्स हो, और अब इसको हम चला के देखते हैं। तो ये मैंने इसमें देखी, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह कट करेगा। सी गाइस, काफ़ी नीट कट करता है ये, प्रॉब्लम्स नहीं आती इसमें। एक्चुअली इसे काटने में मज़ा बड़ा आता है, बड़ी स्मूथ फीलिंग आती है इसे कट करने में। देख सकते, देखो इसे मैं रखता हूँ, ये तुरंत कट करना शुरू कर देता है। खड़ा इसमें ज़्यादा वोल्टेज अगर दोगे तो ये रेड हॉट हो जाएगा, और अगर आप इसको लेके जाओगे थर्मोकोल के पास तो वो थर्मोकोल पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको इसमें ज़्यादा वोल्ट भी नहीं देना और कम भी नहीं देना, आपको मीडियम में रखना है जिससे ये सिर्फ कट कर सके, थर्मोकोल को जलाए नहीं। तो ये 3 वोल्ट से चल रहा है और ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और आप इसको टच भी कर देते हो तो भी अपने हाथ से, तो भी आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा वोल्ट लगाओगे और छूदोगे उसके वायर को तो आपके हाथ में जल सकती है। सो गाइस, ये थी मेरा छोटा सा थर्मोकोल कटर, इलेक्ट्रिक थर्मोकोल कटर। सो होप यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंजॉय।
की। Thank you.